dear students cbsc has finally prepared the policy for the tabulation of marks for board examination 2021 as we know that due to covid pandemic it was not possible to conduct the examination but after cancellation of the examination the biggest challenge cbsc faced is how to prepare a free and unbiased result for class 10 students but the CBSE is finally able to prepare a guidelines with the help of which the result will be declared in the month of June. But if any student is not satisfied with the marks allocated in the given examination, they have an opportunity to appear in the board exam when the condition is conducive to hold the exams. Now, let's see how the cbse is going to prepare the result so for that purpose the cbse has announced that 20 marks will be provided from the internal assessment whereas 80 marks will be provided from year end examinations but this policy is existing policy that means 20 marks internal assessment the school will provide based on the project and other प्रोसिडियर एज अर्लियर बट फॉर एटी एटी मार्क्स द सीबीएसई इज प्रिपेयर द सीबीएसईज प्रिपेयर गाइडलाइंस अब वो गाइडलाइंस क्या है तो सी बी एस ई ने एक कॉमिटी कॉन्स्टिट्यूट करने को बोला है स्कूल को इन दैट कॉमिटी इज स्कूल स्टाफ फॉर्म ए रिजल्ट कॉमेटी कंसिस्टिंग ऑफ प्रिंसिपल एंड सेवन टीचर्स फॉर फाइनलाइजिंग द रिजल्ट फाइव टीचर्स फ्रॉम द स्कूल

उनसे वो एवरेज फोर्टी मार्क्स प्रोवाइड करेंगे हाफेलिस्ट से वेटेज थर्टी मार्क्स लेंगे और पीरियडिक जो इवाल्यूशन हुआ है जो यूनिट टेस्ट हुए हैं उनसे वो टेन मार्क्स लेंगे बट अगर किसी स्कूल में मोर देन वन यूनिट टेस्ट हुआ है मोर देन वन प्री बोर्ड हुआ है तो प्री बोर्ड का एवरेज मार्क्स लेके एस्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाएगा या आउट ऑफ द टू और थ्री बोर्ड एग्जामिनेशन जिसमें स्टूडेंट ने बेस्ट परफॉर्मेंस किया है वो मार्क्स उनके बोर्ड एग्जाम्स में एड किए जाएंगे बट यहाँ पे एक चैलेंजेस फेस किया जा सकता है जब वो रिजल्ट या वो क्वेश्चन पेपर स्टैंडर्ड नहीं हो सकता है या वो ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम्स हो सकते हैं तो सीबीएसई ने और एक स्टैंडर्ड एसेसमेंट प्रोसीजर बनाया है जो उस स्कूल के लास्ट तीन ईयर के परफॉर्मेंस को बोर्ड एग्जाम्स में जो परफॉर्मेंस है उससे ही मार्क्स को दिया जाएगा दैट इज वो मार्क्स उस तीन ईयर के रिफरेंस जो तीन इयर्स फाइनली रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं जैसे कि अगर एक स्कूल के लास्ट थ्री इयर्स में ओवरऑल परसेंटेज बोर्ड एग्जामिनेशन में स्टूडेंट के अगर सेवेंटी वन परसेंट है तो इस ईयर में वो स्कूल अपने सभी बच्चों का जो ओवरऑल रिजल्ट होगा वो सेवेंटी वन परसेंट से ज्यादा नहीं दे सकते हैं दैट इज लास्ट थ्री ईयर्स के बेसिस पे इस ईयर का रिजल्ट आपका वेरीफाई किया जाएगा सिमिलरली किसी सब्जेक्ट में अगर लास्ट थ्री में उस स्कूल का बच्चा से में, last three years में बच्चा से से में 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 पाए हैं, तो इस साल जो मैथ्स दिया जाएगा, वो टू हो सकता है that is, overall result 66 अगर आया है उस स्कूल का last three years में मैथ्स में तो इस साल जो मैथ्स के बच्चे हैं उनका ओवरऑल रिजल्ट मैक्सिमम सिक्सटी एट हो सकता है या सिक्स माइनस टू दैट इज सिक्सटी हो सकता है दैट इज ओवरऑल रिजल्ट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ पर्टिकुलर स्कूल मोर देन 68 या आपका उससे लेस हो सकता है बट मोर देन 68 नहीं हो सकता है दिस इज द प्रोसीड्योर फॉर स्टैंडर्ड रिजल्ट सो देट रिजल्ट जो हो वो बायस ना हो और साथ ही साथ स्कूल को मार्क्स अपने ऑनलाइन प्रोसीजर से फिलअप करना पड़ेगा अगर वहां पर अगर वो मार्क्स प्रोसीडर के हिसाब से फिलअप नहीं करते हैं तो वो सक्सेसफुल सबमिट नहीं होगा वंस द स्कूल सबमिटेड द मार्क्स ऑनलाइन देयर विल बी नो वे दे कैन करेक्ट द मार्क्स अगेन सो स्कूल्स को भी वेरी केयरफुली मार्क्स को फिलअप करना पड़ेगा आफ्टर फिलिंग द मार्क्स दे विल नॉट बी एबल टू चेंज द रिजल्ट एंड इंटरनल असेसमेंट में जो स्कूल मार्क्स देंगे उसका हर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड उन्हें सेफली स्कूल में रखना पड़ेगा फॉर द फ्यूचर रिफरेंस द बोर्ड हैज ऑल्सो दे विल वेरीफाई द रिजल्ट एंड दे कैन ऑन द फील्ड लेवल ऑल्सो दे विल एबल टू वेरीफाई द रिजल्ट तो इस तरह से सीबीएसई ने एक बहुत ही अच्छा गाइडलाइंस प्रिपेयर किया है जिसे कि बच्चों का रिजल्ट अच्छे तरह से बनाया जा सके वो अनबायस्ड रिजल्ट हो और सभी बच्चे इससे सैटिस्फाई हो सके एंड बेस्ड ऑन दिस रिजल्ट दे विल एबल टू गेट द एडमिशन इन अपकमिंग क्लास 11 सेशन नाउ अगेन वी शुड सी दैट देर इज अ वेरिफिकेशन कमिटी आल्सो एंड वेरिफिकेशन कमिटी किसी भी स्कूल में जाकर वो वेरीफाई कर सकते हैं असेस कर सकते हैं रिजल्ट को तो स्कूल्स शुड Prepare an unbiased result so that both schools as well as the board will satisfied with the result. So I think these guidelines will help the students to overcome this pandemic situation and they will able to secure their future. I, if you like this video. आप लोग काइंडली इसे शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को यह वीडियो पहुंचाएं जिससे कि सभी को पता चल सके बेसिक किस तरह से इस साल रिजल्ट बनाने वाला है और सभी स्टूडेंट्स इससे बेनिफिटेड हो सके थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग माई चैनल